हेलो एवरीवन। तो जनाब आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 5 बजे और यहाँ पे चिड़ियों की इतनी अच्छी चहकाने की आवाज़ आ रही है ना, आप एक बार खुद से सुन लो। तो ये है जी हमारे घर के सामने बिल्कुल जो खेत है उसमें अनार का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है मतलब अनार के। तो ये देखिए अनार का साइज कितना अच्छा हो गया, बड़े बड़े हो गया अनार। 5 बजे जो है वो अच्छा खासा उजाला हो जाता है अब आजकल ना। तो सबसे पहला काम जो होता है वो मैं पानी पीती हूँ सुबह सुबह। तो आज मैंने सिंपल पानी पिया है, मतलब मेथी टी बनाती थी वैसे, बट मैंने मेथी टी नहीं पी, सिंपल पानी पिया है। और मैं घड़े का ही पानी पीती हूँ मोस्टली, अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा मिक्स करके पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं घड़े का ही पानी पीती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ मैं बाहर ठंडी हवा में बैठ के जो है वो अपना पानी पी रही हूँ और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे जल्दी उठ जाओ और ऐसे चिड़ियाँ चहका रही है मतलब, और घर में कोई भी नहीं उठा है, आसपास भी बहुत कम लोग जागे होते हैं इस टाइम पे, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है मतलब, एकदम शांति सी मिलती है, एकांत वातावरण होता है। क्योंकि जब सबका दिन शुरू हो जाता है ना उसके बाद इतनी भगदड़ हो जाती है ना कि मतलब समझ ही नहीं आता है। अभी आप क्लियरिटी से एक एक आवाज़ ध्यान से सुन सकते हो, मतलब किस किस की आवाज़ कानों में पड़ रही है तो आप नोटिस कर सकते हो, है ना। तो ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने ये विटनेस नहीं किया ना ये वाला टाइम, उनको पता ही नहीं है कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग एक बार ये चीज़ महसूस कर लोगे ना, इतना मज़ा आएगा ना आप लोगों को कि आप बोलोगे कि वाह यार इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है, इतना अच्छा है मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करना एकांत में अकेले, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बहुत अच्छा भी मतलब मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, एकदम पीस में बैठना अपने आराम से। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिंपल वाटर आज ले लिया है, 5:23 हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी गौ मिल्किंग के लिए और गोबर वगैरह निकालूंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करने के लिए आऊंगी घर में। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी गाय माता के पास और फोन में यहीं पर चार्जिंग पर लगा के जा रही हूँ। ओके तो आपसे मिलेंगे अब थोड़ी देर बाद। हाँ जी जनाब, तो आ गई मैं गाय के पास से चल के, थोड़ा थोड़ा इधर गोबर भी लग गया, गोबर भी निकाल दिया है, गाय भी कॉम्पिटिंग भी कर दी है, उसको चोकर वगैरह भी दे दिया है, ऑल डन। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, उसके बाद मैं जो है अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो बाकी लोगों का शेड्यूल थोड़ा लेट ही शुरू होता है, मतलब सो के भी थोड़ा लेट उठते हैं और उनका यू नो चाय पानी लेट ही होता है और वो लोग खाना भी थोड़ा लेट ही खाते हैं, बट मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो इसलिए मेरा हर चीज़ जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा जल्दी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब पहले सब लोग खा ले या फिर मैं हाय हाय मैं अकेली बैठ गई खाने, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे होता है कि मेरा टाइम से अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर चीज़ मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट करूँ तभी अपने मिड मील जो स्नैक है मेरा मिड मॉर्निंग उसको ले सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीग्रेन परांठा बना रही हूँ जिसमें मैंने पालक काट के रखा है थोड़ा थोड़ा, तो मतलब 3-4 आटे मिक्स करके जो है वो आटा गूंदा है और उनमें जो है वो बारीक बारीक करके जो है वो पालक काटा है, थोड़ी सी नमक मिर्च डाली है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूटेन फ्री है क्योंकि इसमें रेगुलर आटा नहीं है, तो जो ये जैसे मैंने इसमें बेसन डाला है और क्या कहते हैं इसको रागी का आटा डाला है और मक्की का आटा डाला है, तो ये सारे जो आटे हैं ना ये ग्लूटेन फ्री होते हैं मतलब, और जो हमारा रेगुलर आटा होता है वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता है। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है ताकि ये कंबाइन हो जाए, बाइंड हो जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं अपने लिए परांठे बना कर रख रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना अपने लिए एक ही बार मैं परांठे बना के रख लेती हूँ, जैसे 2 ब्रेकफास्ट के लिए बना दिए मैंने ठीक है, और 2 जो है वो लंच के लिए बना के रख दिए हैं मैंने, 4 परांठे टोटल बनाए हैं। लंच में भी मैं यही खाऊँगी, नॉर्मल रोटी खाने के बदले यही वाली रोटियाँ खाऊँगी। तो उसके बदले मैंने जो है वो सारे पहले ही बना के रख दिए, प्रिपेयर करके रख दिए, 2 एक्स्ट्रा बना के रखे क्योंकि मम्मी कई बार खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिनर में भी ये ले सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बाकी लोगों के लिए सब्ज़ी बना दी, और ये सब्ज़ी मैंने बहुत कम तेल में बनाई है, लिटरली इसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल मैंने डाला है, क्योंकि ये चीज़ें ना प्रैक्टिस में जब हम लेके आते हैं ना धीरे 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 तभी हो पाता है, अदरवाइज़ ऐसी सब्जी बनाने में सूखी सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं, बट मैंने बहुत कम तेल डालने की कोशिश की है अब। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, थोड़ी सी मैंने चटनी ली है और थोड़ी सी दही ली है और 2 परांठे लिए हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं बाकी लोगों के लिए जो है चपातियाँ डालने लगी हूँ इन लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए।
जी जनाब, सबका खाना पीना हो गया है, ब्रेकफास्ट लंच जो भी बोलो सब कुछ डन है, साफ सफाइयाँ हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। मैं तसल्ली से बैठ के पानी पीऊँगी। आजकल मैं मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकूँ, तो हर आधे आधे एक एक घंटे के बाद जो है एक एक गिलास पानी पीती रहती हूँ। कुछ भी काम करती हूँ तो उस काम को ख़त्म करने के बाद मैं पानी पीती रहती हूँ, तो इस तरह से वाटर इनटेक जो है वो मतलब नेचुरली बढ़ता जाता है। तो जनाब, सारे काम से निपटने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैं फेस पैक लगा रही हूँ, तो मैंने स्क्रबिंग वगैरह कर ली थी, उसके बाद जो है वो वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी क्ले फेस मास्क लगा रही हूँ मैं। तो मुझे था कि मैं चलो आज थोड़ा टाइम भी है तो यूटिलाइज़ कर लिया जाए इसको, और जो मैं एक अलग से सीरीज़ चला रही हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो उसके लिए मैंने मतलब एक ये भी शेड्यूल रखा है कि स्किन केयर अपनी रेगुलर बेसिस पे करती रहूँगी, तो इसलिए मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ। और जब तक फेस पैक हमारा सूखता है तब तक हम जो है वो घर के कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ध्रुवी ने मतलब सोफ़े पर से सारे जो है वो फेंक दिए नीचे, और देखिए देखिए खाली कर दिए मतलब सोफ़े। बच्चों के पास ना सफाई बिल्कुल भी नहीं रहती है, कुछ भी कहो मतलब। तो फिर मैंने कहा मैं इनको रख लेते हैं, जब तक अपना फेस पैक सूखता है तब तक इनको एडजस्ट करके रख लेते हैं, और इनके ऊपर जो कवर है उनको भी अच्छी तरह से डाल देते हैं। बच्चों के पास जितनी मर्जी साफ़ रखने की कोशिश करो घर को ना, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हैं बच्चे, पर कोई नहीं, आदत हो जाती है फिर ये सब चीज़ें हैंडल करने की। तो यहाँ पे देखिए फेस पैक मेरा पूरा सूख गया है, तो अब हम करेंगे पहले फेस वॉश। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ, और अच्छा लगता है मतलब जब भी हम अपनी स्किन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना तो खुद से अच्छा लगता है, स्किन भी अच्छी लगती है और अंदर से खुद को भी अच्छी वाली फीलिंग आती है। कहाँ आ रहे मम्मा? उधर ही आ रहे बिट्टू, आप कहाँ आ रहे मम्मा की चप्पू पहन के? कहाँ आ रहे आप मम्मा की चप्पल पहन के? वो भी उल्टी पहनी है ध्रुवी राजा ने। गिली फुद्दू देखो। देखो ओ दिखाओ गिप्स, आप भी देखो इधर मम्मा को। ओ नो, मम्मा को देखो, मम्मा को इधर इधर देखो, मम्मा को गिप्स पकड़ के। बस चलो उधर दादा के पास देंगे गिफ्ट। मम्मा कुमार ओ सच्ची, मम्मा को तो कुमर बहुत फंस गया, ये देखो भाई। ओ हो फोटो देखो कुमार। हो, बहुत ज्यादा कुमर फंस गया मम्मा को तो। यार दूवी, ओ मेरा बेटा कैसे निकाल रहा है मेरे सोना भी तू। ए ए गुड बॉय, सारे कुमर निकालो बेटे, आइया लग रही मम्मा को, आइया लग रही मम्मा को, इन कुमर से सारे कुमर निकालो। थैंक यू, चलो पर चलो खिलाओ ग्रेप्स, खिलाओ दादी को, दादी को भी खिलाओ ग्रेप्स। तो 2:30 बज गए दिन के, मैंने दाल भी चढ़ा दी है शाम के लिए, और यहाँ पे अब लस्सी बना रही हूँ। लस्सी बनाने का प्रोसेस ये, मैंने दूध जमा के रखा है, इसकी लस्सी बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे। ऐसे जो दूध जमा होता है उसको ऐसे डब्बे में डाल देते हैं, और इसको फिर ऐसे शेक कर करके कर करके हम इसका मक्खन बनाते हैं। मैं दिखाती हूँ, मक्खन भी बन गया, लस्सी भी बन गई है, वो सारा काम भी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं लाली के पास उसको चोकर देने के लिए, यानी कि जो थोड़ा बहुत खाना बचा होता है ना तो उसको हम ऐसे इसमें स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, जैसे दाल बच गई, चावल बच गए, रोटी बच गई, मतलब कुछ भी बच गया, जैसे हम आलू छीलते हैं, प्याज छीलते हैं ना, सब्जी काटते हैं, तो एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है उसको इसमें रखते हैं, और इसको फिर जो है वो लाली को दे देते हैं नीचे, हर रोज शाम को देते हैं मतलब। तो वैसे तो 4 बजे के बाद ही देते थे, बट आज मैं बेली हूँ और एक्टिव भी हूँ तो मैं सोची अभी दे दूँ। टाइम अभी 2:50 हुआ है, मैं 3 बजे के अराउंड जाऊँगी नीचे, 3 बजे उसको दे दूंगी ये। तब तक ध्रुवी भी उठ गया भाई तबे, उसको मैंने नीचे उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया है, तो अब उसके लिए मैं जूस चास कुछ तो लेके जाती हूँ, क्या पिएगा वो पता नहीं। तो फिर 3 बजे जो है वो नीचे लाली के पास चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारी लाली का रास्ता, यहाँ पे हमने शेड बना के रखा था लाली के लिए ना, घास स्टोर करने के लिए। कल वो भी उखड़ गया नीचे, देखो कैसे पड़े हैं लक्कड़ ना इसके।
इतनी हवा लगी थी ना कि ये सारा नीचे गिर गया। मतलब फिर इसको टेम्परेरी ढक के रखना पड़ा, क्योंकि शाम को फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी पिछले कल ना, तो आज ये सेट करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। मैंगो बीज के रखे, मतलब गुठली डाल के रखी है, यहाँ पे भी दो जगह डाल के रखी है और एक यहाँ पे डाल के रखी है, दो जगह डाल के रखी है। यहाँ पे तो उग भी गया था, मतलब छोटा सा पौधा बन भी गया था, नंदू ने खा लिया कमीने ने बछड़े ने। तो ये है मेरी लाली, ये खा रही है चोकर, और ये है नंदू जो कि अपने पसर के बैठा है, सोया है। तो आज इसने सुबह पानी नहीं पिया है कमीनी ने ना, तो इसलिए अभी पानी पिएगी। सुबह नहीं पीती है, जहाँ सामने मुंह से निकालना आसान होता है टंकी से, बस वही निकालना और देना है, यहाँ अंदर पिएगी, फिर ढो ढो के लाना पड़ता है बाहर से। तो टंकी यहाँ है, अब यहाँ से अंदर ले जाना पड़ता है ढो ढो के। वो 25 लीटर पानी पी लिया, अब नंदू पी रहा है, इसने तो बेचारा ने 2 सिप लिए बस हो गया इसका। मैं क्या कर रही हूँ, धूप लगी है, विदाउट सनस्क्रीन घूम रही हूँ। जब मैं गई तब धूप नहीं थी, बादल से लगा था, जब मैं आई तो तब बहुत ज़्यादा धूप थी, और पसीना देख रहे हो, देख रहे हो पसीना, ये है गर्मी से हाल इधर। कुछ भी बोलो, मतलब ये चीज़ फॉलो करते करते ना, जब मैं लास्ट एक हफ्ते से 10 दिन से ये चीज़ फॉलो कर रही थी, लाइक जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करते करते मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा आ गया। कुछ भी कहो आप, नहीं तो मतलब ये मैंगो मेरे से बचते मतलब ही नहीं, कब का खत्म कर जाती मैं। बट अब बहुत सेल्फ कंट्रोल है, मन ही नहीं करता खाने का। जरूर इसको मतलब ऐसे दिखाओ भाई, ठीक है, बनाई भूत फोटो, बैठो नीचे, अब मैंगी खाओ, मैंगू मैंगू खाओ, मैंगू हाय। दाल रेडी एंड किचन क्लीन, सब कुछ डन। तो ये देखिए जनाब, शेड पहले कैसे गिर गया था ना, सारी चादरें वगैरह नीचे गिर गई, तो फिर मैंने मम्मी और पापा ने मिला के इसको ठीक कर दिया था। ठीक कर दिया मतलब जैसे था ये पहले वैसा लगा दिया सेम, और इसमें बहुत मेहनत लग गई सच बोलूँ, और मुझे भूख लग रही है, तो मैंने ये 2 प्लम जो है वो यहीं से निकाल दिए हैं, यहाँ से निकाल के, और 6:45 हो चुके हैं। मैं आई हूँ कॉ मिल्किंग के लिए, ये बाल्टी डालिए साथ में। शुरू बारिश शुरू होगी कॉ मिल्किंग की, फटाफट भीग गई मैं, फिर भी ध्रुवी को यहाँ बिठा के गई थी अकेले, ढूंढ रहा है ऊपर भी नहीं घर पे। मम्मी पापा गए घास के लिए, अभी मैंने बोल दिया तुमको बारिश हो जाएगी मत जाओ, ये देखना ढूंढ रहा है कहाँ है मम्मा। ले मैं ले बेटा, आपने क्या सोचा बेटे, यहीं बैठना ठीक है, अभी आएगी मम्मा। रोज बारिश हो रही है, रोज शाम शाम को, दिन भर बहुत धूप होती है और शाम को बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश है मतलब, और मौसम एकदम ठंडा ठंडा है। ओ गॉड, बाकी ठीक है यार, मम्मी पापा फालतू में गए, मैंने उनको बोल दिया था यहाँ पे ना थोड़ा सा सूखा घास है नीचे ना, बाकी तो ले आए थे बहादुर, थोड़ा सा रहता था तो उनको था कि ले आते हैं, कहते ओहो मैंने बोल दिया तो उनको बारिश आ रही है भीग जाओगे, और वही हो गया। देखा मैंने तो इसीलिए टाइम से कॉ मिल्किंग कर दी, मुझे पता था कि मतलब बारिश होगी और फिर अगर ये काम रह गया तो फिर रह ही जाता है, मैं भागी इसीलिए फटाफट, ध्रुव को अकेले बिठा के रखा यहीं पे। यहाँ देखो बे, ये है मतलब एकदम से इमिडिएटली वाली बारिश, मतलब खलोली हो गई, तो बेचारे भीग गए वो बहुत बुरी तरह से, अब तो वहीं पे ही होंगे मुझे लग रहा है, उनको है अब कि लेके आएंगे हम घास, भीग तो जाएंगे। मैं गीजर ऑन कर दिया, आके नहा लेंगे वो लोग यार, बस मना कर दी थी मैंने उनको, मत जाओ, पहले हम इस काम में उलझ गए, ये जो हम कर रहे थे, ये जो गिर गया था शेड हमारा, पहले इसको ठीक करने में लगे रहे और बाद में फिर वो लोग चले गए उधर, ऐसा किसने सोचा था। चलो अब मैं ध्रुवी को दूध पिलाऊंगी और ये दूध छन छन के रख दूंगी साइड में, खुद मैंने प्लम खा ली क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लगने लग गई थी इस टाइम तक ना, ग्रीन टी असर कर जाती है मेरे लिए, तो मेरा डाइजेशन एकदम से बढ़ जाता है ग्रीन टी पी के, और भूख लग जाती है मुझे।